प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर को अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि उन्हें उनका हक दिया जाए और बने हुए मकान उन्हें तुरंत दिए जाएं। लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे हितग्राहियों ने आज प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। प्रधानमंत्री आवास संघर्ष समिति के बैनर तले प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही आज टाउन हॉल में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री से मुलाकात की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष व प्रधानमंत्री आवास संघर्ष समिति के संरक्षक मुकेश कालरा ने कहा कि 2016 में नोटबंदी के दौरान उपयोग की व्यवस्था कर गरीब और आवासहीन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरे, पात्र होने के बावजूद भी अब ये मकान उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। यह राज्य शासन और केंद्र सरकार की योजना की अवहेलना है। 2016 नोटबंदी का टाइम, प्रधानमंत्री की एक महती योजना, सरकार की एक महती योजना, सेंट्रल सरकार सभी को आवास, आवासहीनों को आवास दिया। नीमच में भी पहले आओ पहले आओ इसी आधार पे आवेदन आमंत्रित किए गए। करीब 600 से अधिक हितग्राहियों ने आवेदन दिए, पर आज उस योजना को पूरे 6 वर्ष होने जा रहे हैं, पर किसी भी हितग्राही को आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। सबने पैसे जमा करा रखे हैं, आवेदन के साथ अमानत राशि जमा कराई और योजना को जनप्रतिनिधियों, नाकारा जनप्रतिनिधियों, प्रशासन एवं सरकार के दबाव में सरेंडर कर दिया गया। आज इसी बात को लेकर हमने अपनी बात प्रभारी मंत्री और माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी शकलेचा के समक्ष रखी कि तुरंत सभी को आवास दिए जाए। अगर किसी कारणवश योजना सरेंडर की है तो राज्य शासन से पुनः उसकी अनुमति लेकर चालू की। प्रधानमंत्री आवास योजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोइनुद्दीन खान ने कहा कि हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 5 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दो, लेकिन नगर पालिका सुन नहीं रही है और अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्रभारी मंत्री को अपनी पीड़ा बताई। हितग्राहियों ने वहाँ पे फार्म भरा और अमानत राशि जमा कर दी। कुछ टाइम पहले इन लोगों ने हम लोगों को नोटिस दिया कि आपसे योजना सरेंडर कर दी गई है और अब हमारे को वो आवाज़ देने के लिए मना कर दिया। इसमें 144 लोगों को कुल आवाज़ देने के लिए हाँ, बाकी के 456 लोगों को उन्होंने इनकार कर दिया है कि आपको योजना से बाहर कर दिया गया है। हमारी मांग ये है कि हमने अगर योजना सरेंडर कर दी गई है तो या तो इस योजना को पुनः चालू किया जाए या फिर इसका विकल्प के तौर पे हमें कोई दूसरी योजना से मकान दिलाए जाए, कोई प्लाट दिलाए जाए। इस तरह से धोखा देके ये सत्ता के नशे में चूर और ये जनप्रतिनिधि हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनते, समय समय पर हम आवाज़ उठाते हैं। नावटी के पास बनाए गए प्रधानमंत्री आवास करीब 600 लोगों को आवंटित होने हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा मेडिकल कॉलेज जाने के बाद इन आवासों का मामला अटका दिया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम शर्मा, आरिफ कुरैशी, इकबाल कुरैशी सहित बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही।